नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं बोल बुल बुल। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है। तो दोस्तों वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का टेस्टिंग कैसे किया जाता है इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं दोस्तों। तो उसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, पहले तो CRM टेस्ट किया जाता है दोस्तों। ये जो वैक्यूम बटन आपको दिखाई दे रहा है यानी कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट इसका किया जाता है। तो टेस्ट कैसे करते हैं मैंने तो पूरा डिटेल में दिखाया था टेस्टिंग वाला वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे देखें, आपको देखने से बहुत ज़्यादा आइडिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम जानेंगे कि वो जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट हम करते हैं क्या वो हमेशा सही लिमिट में आता है। दोस्तों हमने ये सर्किट ब्रेकर का जब CRM टेस्ट किया था तो CRM का रेजिस्टेंस वैल्यू आया था 60 माइक्रो ओम के आसपास वैल्यू आया था। लेकिन ये सर्किट ब्रेकर का मैनुअल बता रहा है कि इसका वैल्यू जो आएगा वो 40 माइक्रो ओम के नीचे रहना चाहिए, बिलो 40 माइक्रो ओम CRM वैल्यू आना चाहिए। तो दोस्तों हमने जब टेस्ट किया था आ गया 60 माइक्रो ओम के वैल्यू आ गया, लेकिन रहना चाहिए था 40 माइक्रो ओम के नीचे। तो फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप जब टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट करने के दौरान आपका वैल्यू भी आपको थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो आपको फिर उसका वैल्यू कैसे ठीक करना है, कैसे उसका रेजिस्टेंस वैल्यू को सही करना है, उसका कॉन्टैक्ट को कैसे क्लीन करना है, वीडियो का माध्यम से हम पूरा डिटेल में देखेंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम ये वैक्यूम बटल को खोल रहे हैं यानी वैक्यूम इंटरप्टर भी इसे क्या कहा जाता है। तो इसे हम खोल रहे हैं, खोल के हम इसको क्लीन करना है दोस्तों। दोस्तों खोल के हम इसका जो वैक्यूम बटल को नहीं खोल रहे दोस्तों, अगर वैक्यूम बटल को खोल देंगे तो जो गैस रहता है गैस पूरा निकल जाएगा। तो कॉन्टैक्ट हम कहाँ से क्लीन करेंगे दोस्तों, सिंपल सा बात है, कॉन्टैक्ट आप बस उसका ऊपर से ही क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे बस इसी सरफेस को आपको क्लीन करना है। इस सरफेस को कैसे क्लीन करेंगे, आप बस CRC डाल दीजिए और कपड़ा लेके उसको क्लीन कर दीजिए, बस यही काम आप कर सकते हैं। वैक्यूम बटल का अंदर का आप कुछ नहीं कर सकते, बस बाहर से आप खोल के CRC डाल के आप उसे कपड़ा से साफ कर सकते हैं। तो खोलने के बाद आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीनिश कलर का नजर आएगा दोस्तों। जैसे आप कॉपर में देखते हैं थोड़ा बहुत कार्बन डिपॉजिट हो जाता है, वैसे ही ये बॉटल के ऊपर थोड़ा बहुत कार्बन डिपॉजिट हो जाता है दोस्तों। तो कार्बन जब कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा ग्रीन कलर का नज़र आएगा। तो आपको वही सरफेस को क्लीन कर देना है, थोड़ा सा कार्बन कंटेंट, थोड़ा सा कार्बन हो जाएगा तो आपका जो वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस वैल्यू वो थोड़ा हाई हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोल बुल बुल, इंतज़ार कीजिए हमारा अगले वीडियो का।